जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस समय में हर कोई विवाह की समस्या को लेकर परेशान है। किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, किसी की उम्र अधिक हो गई है, या किसी के लिए रिश्ते आते हैं लेकिन उन्हें पसंद नहीं आते हैं। बात होती है, बात आगे बढ़ती है लेकिन कैंसिल हो जाती है। रिश्ते आते तो बहुत हैं लेकिन विवाह में संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं जिसके कारण आजकल हर कोई विवाह को लेकर परेशान है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि 28 जुलाई को करना है आपको। दिन अमावस्या का है और ये अमावस्या सावन के समय में पड़ रही है, तो ये अत्यंत ही शुभ फलदायी है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी अमावस्या को यह कार्य कर सकते हैं, यह उपाय आप आगे आने वाली किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ये वीडियो ये 28 तारीख निकलने के बाद देखते हैं, तो आप उसके बाद भी यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। यह उपाय माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, तथा अगर बच्चे स्वयं करें तो ये तो अति उत्तम होगा, अन्यथा माता पिता भी बच्चों के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक जटा वाला नारियल होना चाहिए, थोड़े से काले तिल, बूरा, बूरा अर्थात चीनी जो पिसी हुई होती है उसे बूरा कहते हैं, और घी, और एक पान का पत्ता और मौली, ये सारा सामान आपके पास पहले से उपस्थित होना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं आपको यह उपाय करना कैसे है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी यह उपाय करे, वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल दे, जल अर्पित करें। याद रहे दोस्तों, कपड़े हल्के रंग के ही धारण करें, क्योंकि अगर हम हल्के रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो पूजा में पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और हमारी प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार होती है और हमें खुद से पॉजिटिविटी का फील आता है। इसलिए हमें पूजा के समय हमेशा सफेद, पीले या हल्के कलर के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद हमें अपने पूजा स्थल पर अर्थात अपने घर के मंदिर में जाना है। उस नारियल में से अंदर का नारियल अर्थात गिट निकाल लेते हैं, जिस तरह का चित्र में दिखाया गया है। नारियल को अंदर जो नारियल होता है उसको निकाल लेंगे, उसके ऊपर से उसको थोड़ा सा काट देंगे और उसके बाद उस नारियल के अंदर उसमें थोड़े से काले तिल, बूरा और घी, ये तीनों चीज डाल देंगे। उसके बाद उसको वापस से ढक देंगे नारियल को ऊपर से, और फिर उस कटे हुए भाग पर एक पान का पत्ता लपेट देंगे। पान का पत्ता साबुत होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, और उसका डंठल ना तोड़ें, लपेटते समय डंठल लगा रहने दें। पान के पत्ते को उस पर रख कर मौली से चारों तरफ से लपेट दें, बांध दें मतलब मौली से। उसके पश्चात अगर आपका बेटा या बेटी घर में उपस्थित हैं या बेटा बेटी अपने लिए स्वयं कर रहे हैं, तो अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार लें वो नारियल। और अगर बेटा बेटी नहीं है घर में तो कोई बात नहीं, आपको ये नारियल अपने घर की पूजा स्थल में रख कर इसमें ये सारी चीज़ें डाल के उसकी पूजा करनी है उनसे, और नारियल के अंदर ये सारी चीज़ डाल के पूजा स्थल पर रखेंगे। उसके बाद घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। उसके पश्चात अपने पितृदेवता से, सर्वप्रथम पितृदेवता से विनती करेंगे कि हे पितृदेवता, हे पितरों, हमारे बच्चे के शादी में जो विलंब हो रहा है उसे दूर करें, जो बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करें, कृपा करें, इसके विवाह का संयोग बनाएं, अच्छा रिश्ता प्रदान करें, एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दें। इसके विवाह में जो भी परेशानी आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष हैं, वो सब दूर करने की कृपा करें। साथ ही अपने इष्ट देव से भी
प्रार्थना करें कि हे माँ, हे प्रभु, आप जिन्हें भी मानते हैं कि आपके बच्चे के विवाह में अधिक विलंब हो रहा है, आप जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा रिश्ता प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, या जो कुछ भी परेशानी आ रही है, जिस भी ग्रह दोषों के कारण अगर आपके विवाह नहीं हो रहा, तो वो समस्या बोलें अपने इष्ट से और उनसे विनती करें कि इन समस्त समस्याओं का समाधान करिए, इन्हें दूर करिए, कुंडली से सारे ग्रह दोष दूर करके एक अच्छा विवाह का संयोग बनाएं। इसके पश्चात बजरंगबली से भी निवेदन करें कि यदि आपकी कुंडली में शनि, राहु या किसी भी दुष्ट ग्रह का प्रभाव है, तो कृपा करके प्रभु हमारी हमारे बच्चे की कुंडली से या हमारी कुंडली से उस ग्रह दोष को हटाएं, दूर करें, तथा हम पर कृपा करें, हमारे बच्चे पर कृपा करें, उसकी विवाह का योग बनाएं, एक शुभ विवाह का योग बनाएं, एक अच्छा जीवन साथी प्रदान करें। ऐसा कहकर उस नारियल को अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और ले जाकर घर से बाहर किसी निर्जल स्थान पर, अर्थात सुनसान स्थान पर ले जाकर साफ जगह पर गाड़ दें, गड्ढा खोद के गाड़ दें। याद रहे, ये नारियल ले जाते समय आपको कोई ना टोके, कोई कुछ ना बोले, आपको कुछ नहीं बोलना है। यह पूजा करने के बाद आपको सीधे ले जाके नारियल गाड़ देना है। अगर हो सके तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप गाड़ सकते हैं तो यह अति उत्तम होगा। ये नारियल गाड़ने के बाद एक बार फिर से विनती करें वहीं पर अपने इष्ट से कि आपने यह आराधना संपन्न की है, कृपया इसे स्वीकार करें, उसमें जो भी भूल हुई हो, त्रुटियां हुई हो, उसके लिए क्षमा करें, उन त्रुटियों को, भूलों को माफ़ करके आपके त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आराधना को पूर्ण करके स्वीकार करें, आपकी अर्जी स्वीकार करें और आपके बच्चे के विवाह का शीघ्र ही संयोग बनाएं। और इसके बाद आपको घर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर धुल लेने हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन किया गया उपाय बहुत ही कारगर होता है, इसलिए एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा, बाकी आपकी जैसी मर्जी। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। यह उपाय माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। बच्चे करेंगे खुद के लिए तो बहुत ही अति उत्तम होगा, नहीं तो माता पिता तो कर ही सकते हैं इस उपाय को। और अगर बच्चे हैं साथ में तो ये नारियल को की इस तरह से पूजा करने के बाद बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार लें। अगर बच्चे नहीं हैं तो इसी तरह से नारियल की पूजा करने के बाद उसे ले जाकर डायरेक्ट गाड़ आएँ कहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर महादेव।